हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी फूड सिंधी। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमरती की रेसिपी। आज हम बनाएंगे इमरती। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम धुली उड़द दाल। अब इस दाल को हमने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। ये देखिए, 3 घंटे बाद ये कितने अच्छे से फूल गई है। अब हम इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। हमें इसे फाइन सा पेस्ट बनाना है, देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम इस पेस्ट को खुले से बर्तन में डाल लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस बैटर को अच्छे से मिला लेंगे। हमें ये प्रोसेस 5 से 6 मिनट करना है बिना रुके। जी हाँ, इससे होगा क्या कि जो उड़द दाल है वह अच्छी तरह से फिट कर उसमें हवा भर जाएगी और यह बैटर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, जिससे हमारी इमरती बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनेंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच रेड कलर और कुछ बूंदे पानी की, और इसे भी हम बैटर में अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, रंग डलते ही हमारा बैटर कितना अच्छा और भी दिखने लगा है। हमें इस प्रोसेस को 1 मिनट करना है और अब हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। यहाँ मैंने 300 ग्राम चीनी ली है और 500 ml पानी लिया है, क्योंकि हमें चाशनी एक तार की नहीं बनानी, सिर्फ गाढ़ी बनानी है। देखिए धीरे धीरे अब इसमें चीनी घुलती चल जाएगी। आप चाहे तो चाशनी में भी कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, चाशनी में भी रंग डलते ही इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। अब हमारी चाशनी पकने लगी है। इसे हमें धीरे से उबालना है। लगभग 6-7 मिनट बाद यह बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, 6-7 मिनट बाद मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। यह हमें ऐसे ही चाहिए जो उंगलियों में हल्की सी गाढ़ी लगे। अब हम ऑयल को गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ रिफाइंड यूज़ कर रही हूँ। देखिए, और इमरती बना रहे हैं। जैसे जैसे इमरती बनती चली जाएगी, यह अपने ऑयल में जगह खुद ही बना लेगी। देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये 1-2 प्रैक्टिस के बाद अपने आप आ जाएगा आपको भी, और आप घर में ही एक बहुत अच्छी मिठाई तैयार कर सकते हैं बहुत कम खर्च में। ये देखिए, फिर से एक बार ये जो गोल गोल रिंग है, ये बनते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हमें इसी तरह से बनाना है। अब जब हमारी इमरती नीचे से थोड़ी सिक जाएगी, लगभग 1-2 मिनट बाद, तो हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए, रंग भी कितना अच्छा आया है। अब हम इन्हें ऐसे ही धीरे धीरे पलट कर दोनों तरफ से सुनहरी होने तक तल लेंगे। इस प्रोसेस में एक पारी में हमें लगभग 6 से 7 मिनट तक लग जाते हैं। अब हमारी इमरती जो है वो दोनों तरफ से गोल्डन कलर की हो चुकी है, अच्छे से सिक गई है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी चाकू या फोक की सहायता से, और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा।
ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे निकालना है। हम एक एक करके सभी इमरती को निकाल लेंगे और अब चलते हैं इन्हें चाशनी में डिप करने। फ्रेंड्स यहाँ हमें चाशनी को हल्का गर्म ही रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं और ना ही तेज गर्म, और हमें अपनी सारी इमरतियों को इसमें डुबो देना है लगभग 4-5 मिनट। जब ये अच्छे से डूब जाएंगी और चाशनी को अपने अंदर पी लेंगी तो यह बहुत अच्छी लगेंगी। देखिए 4-5 मिनट बाद हमारी इमरती कुछ इस तरह से दिख रही है चाशनी के अंदर जाने के बाद। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से रस भर गया है और हमारी इमरती बनकर तैयार है। यहाँ हमने 250 ग्राम दाल से 1 किलो इमरती बना ले हैं और ये कितनी क्रिस्पी बनी है देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि इसके हर जगह रस भरा हुआ है। आप भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।